हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे गुरुग्राम यूनिवर्सिटी की। स्टेट यूनिवर्सिटी है, हरियाणा में है, ऑफ कोर्स गुरुग्राम में है। इनकी तरफ से इनवाइट किए गए हैं एप्लीकेशंस फॉर पीएचडी एंड उसी को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इनके वेबसाइट पर, ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। URL मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में। सो gurugramuniversity.ac.in जब आप स्क्रॉल करेंगे तो आपको इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेंगी। तो हम मेन्यू टैब बाद में देखेंगे। सबसे पहले जब आप स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे कुछ सेक्शंस आपको देखने को मिलेंगे। इसमें एडमिशंस का भी है। इसमें आप देख सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट नोटिफिकेशंस एंड यहाँ पे ये वाला नोटिस देखिए, एडमिशन नोटिस। ऑल्सो इसके बाद भी कुछ अपडेट्स आए हैं, बट सबसे पहले हम नोटिस देखेंगे, फिर अपडेट्स देखेंगे, बट उससे पहले प्रोस्पेक्टस देखेंगे, ठीक है? और प्रोस्पेक्टस में वेकेंट सीट्स कितनी हैं वो सारी इन्फॉर्मेशंस है, तो थोड़ा सा देख लीजिएगा ध्यान से एंड सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। सो बने रहिए वीडियो में एंड अब हम देखते हैं सबसे पहले एडमिशन नोटिस। जी तो ये है पीएचडी एडमिशन नोटिस। सो सबसे पहले तो डिपार्टमेंट्स देख सकते हैं। तो इसमें ओवरऑल सब्जेक्ट वाइज नहीं दिया है, सिर्फ डिपार्टमेंट्स है, जैसे फार्मास्यूटिकल साइंसेस है, पब्लिक पॉलिसी, एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नेंस है, फिजियोथेरेपी है, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग है। सो यस, इसके बाद एडमिशन शेड्यूल है। सो लास्ट डेट है 31 मई, देन एंट्रेंस होगा 17 जुलाई को, ठीक है? 17 जुलाई कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होगा, 31 मई लास्ट डेट है। कौन कौन एग्जेम्प्टेड है, क्या क्या चीज़ें हैं वो भी अभी हम देखेंगे। फिलहाल यहाँ पे है एडमिशन के लिए, मतलब अप्लाई करने से पहले आप गाइडलाइंस वगैरह देख लीजिएगा, ऑर्डिनेंस पढ़ लीजिएगा अच्छे से। एप्लीकेशन फ़ी 1000 है जनरल कैटेगरी के लिए एंड बाकी SC बैकवर्ड क्लासेस हरियाणा एंड डिफरेंटली एबल्ड और EWS हरियाणा के जो है, मतलब बाकियों के लिए जनरल वाली फ़ी लगेगी, बट हरियाणा के जो कैटेगरी वाले हैं उनके लिए है 250, ठीक है? हार्ड कॉपी सबमिट नहीं करनी है एंड देन यहाँ पे आप वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं बाकी इन्फॉर्मेशंस के लिए। हेल्पलाइन नंबर एंड ईमेल आईडी दोनों दिया हुआ है, तो आप इन्हें मेल कर सकते हैं, इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं अगर कोई भी क्वेरी है तो, ठीक है? चलिए अब हम देखते हैं प्रोस्पेक्टस। बट उससे पहले प्रोस्पेक्टस देखना कहाँ से है, सो मेन्यू टैब यहाँ पे है ना, इसे एक्सपैंड करिएगा, देन एकेडमिक्स। ओके आई एम सॉरी, एकेडमिक्स के बाद एक्चुअली एडमिशंस का ऑप्शन है ये। सो इसमें आप देखेंगे, आपको दिख रहा है ऑनलाइन एडमिशंस का ऑप्शन, नोटिफिकेशन का, इन्फॉर्मेशन ब्रोशर एंड प्रोस्पेक्टस का। तो ऑनलाइन एडमिशंस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं, पोर्टल पर विजिट कर सकते हैं एंड यस PhD प्रोस्पेक्टस पर क्लिक करेंगे तो डाउनलोड हो जाएगा प्रोस्पेक्टस। तो चलिए अब हम देखते हैं प्रोस्पेक्टस। सो यस, ये है प्रोस्पेक्टस गुरुग्राम यूनिवर्सिटी। सबसे पहले हम बात करेंगे टेबल ऑफ कंटेंट्स की। तो देखिए इसमें इनिशियली तो आपको देखने को मिलेगा ओवरव्यू इसी यूनिवर्सिटी एंड बाकी सारी चीज़ों का, देन चैप्टर्स हैं एंड इसमें आप क्राइटेरिया देख पाएंगे, देन नंबर ऑफ सीट्स, अप्लाई करना है। तो ये चैप्टर्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं, तो हम डायरेक्टली इन्हीं चैप्टर्स को देखेंगे, बाकी आप एक बार देख ज़रूर लीजिएगा। यहाँ पर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन एंड बेसिक जो बातें हैं इस यूनिवर्सिटी की वो भी बताई गई हैं। सो एनीवे, जैसा मैंने बोला कि हम चैप्टर्स ही देखेंगे, तो हम बात करते हैं सबसे पहले एलिजिबिलिटी वाले चैप्टर की। सो क्राइटेरिया सेम है, 55% मार्क्स के साथ मास्टर्स डिग्री है, तो यस आप एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए, ठीक है? देन यहाँ पे है कोर्स वर्क के लिए एडमिशन, मतलब वही है कि ऑनलाइन मोड से अप्लाई करना है। सीट वगैरह अभी हम देखते हैं एंड यस, तो ये कुछ बेसिक बात है, जैसे एंट्रेंस होगा एंड जो सिलेबस है एंट्रेंस का वो जो आपके डिपार्टमेंट के हिसाब से होता है वही होगा। फिर एंट्रेंस टेस्ट जो है वो 3 आवर्स का होता है, 300 मार्क्स का होता है। क्वेश्चन पेपर में 2 पार्ट होंगे, फर्स्ट पार्ट में मतलब फर्स्ट पार्ट कॉमन होता है रिसर्च मेथोडोलॉजी काइंड ऑफ, एंड जो सेकंड पार्ट है वो डिसिप्लिन स्पेसिफिक होता है। पार्ट 1 में 25 MCQs होंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप्स होंगे और 25 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे रीजनिंग वगैरह के, ठीक है? तो रिसर्च मैथडोलॉजी स्पेसिफिक नहीं, बट हाँ रीजनिंग, GK, करंट, ये सारी चीज़ें होंगी। तो काइंड ऑफ जनरल अवेयरनेस का पेपर होगा। फिर जो पार्ट 2 है 75 मार्क्स का होगा, आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड होगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी एंड 50% मार्क्स तभी आप क्वालिफाई करेंगे इंटरव्यू के लिए। अब ये कौन से कैंडिडेट्स एग्जेम्प्टेड हैं? सो जी हाँ, अगर नेट है, देन देखिए इसमें तो वैलिड लिखा है, बट आपको पता है नेट हमेशा वैलिड होता है, तो यस नेट है, GPAT है, गेट है, वैलिड गेट, गेट के लिए वैलिड होना चाहिए, तो आप एलिजिबल हैं, आप एग्जेम्प्टेड हैं बेसिकली, एंड फेलोशिप है तो भी आप एग्जेम्प्टेड हैं, ठीक है? बट हाँ, आपको एप्लीकेशन वगैरह तो सबमिट करनी है, फ़ी वगैरह पे करनी है, उसमें एग्जेम्प्टेड कैटेगरी का आई थिंक ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, तो उसको सेलेक्ट कर लीजिएगा। देन ये वेटेज है कि किस, मतलब अब आप एग्जेम्प्टेड हैं तो किसके अकॉर्डिंग आपका जो मेरिट है वो बनेगा, तो वो आप देख सकते हैं, प्रॉपर क्राइटेरिया क्या है वो इन्फॉर्मेशन है।
देन नंबर ऑफ सीट्स, तो किस डिपार्टमेंट में कितनी सीट है, कितनी एग्जेम्प्टेड नॉन एग्जेम्प्टेड है वो दिया है. सो फार्मास्यूटिकल साइंस, ओके. सो मुझे इनिशियली लगा कि शायद जैसे डिपार्टमेंट मतलब इसमें शायद कुछ एरियाज या सब्जेक्ट्स दिए हो, बट ऐसा नहीं है. एनी वे फार्मास्यूटिकल साइंसेज है जिसमें कि दो सीट एग्जेम्प्टेड कैंडिडेट्स के लिए कैटेगरी में है एंड बाकी दो नॉन एग्जेम्प्टेड के लिए, ठीक है, टोटल फोर. पबैड है जिसमें कि दो एग्जेम्प्ट. ओके, वन मोर थिंग कि देखिए फार्मास्यूटिकल साइंसेज में एक एक और है, तो अभी हो सकता है इसमें डिफरेंट डिफरेंट एरियाज़ हों इसलिए ये ऐसे सेपरेटली लिखा हुआ है, बट फोर है देन टू सीट्स हैं. पबैड में टू टू है टोटल फोर, मैनेजमेंट में फोर फोर टोटल एट. देन मैनेजमेंट जो देखिए एक तो हो गया कि यूटीडी मतलब यूनिवर्सिटी का डिपार्टमेंट, बाकी है जो अफिलिएटेड इंस्टीट्यूशन है, अप्रूव्ड रिसर्च सेंटर है गुरुग्राम यूनिवर्सिटी से अफिलिएटेड, तो उसमें टोटल 12 सीट्स हैं, सिक्स एग्जेम्प्टेड सिक्स नॉन एग्जेम्प्टेड. एंड बाकी लॉ साइकोलॉजी के लिए अलग से बताया जाएगा. बाकी सीट मैट्रिक्स है कैटेगरी वाइज, तो आप इसको देख सकते हैं कि ऑल इंडिया के लिए कितनी है. तो जैसे फार्मेसी है तो इसमें ऑल इंडिया के लिए सिर्फ एक सीट है, बाकी कैसे डिवाइड किया गया है वो, तो इसको अच्छे से देख लीजिएगा. एंड आप एक सीट के लिए अगर अप्लाई करना चाहते हैं वो भी आउट ऑफ लाइक हरियाणा के नहीं है बाहर से, तो देख सकते हैं आप. अगर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हो, आपको पता हो इस यूनिवर्सिटी के बारे में, आई थिंक तभी करना चाहिए, वरना एक सीट के लिए अप्लाई करना. पर हाँ, आपको तो एक ही सीट चाहिए, तो हर चीज़ के ना दो व्यूज़ होते हैं, इट डिपेंड्स कि आप क्या करना चाहते हैं. एनीवे ये सीट्स थी. देन अप्लाई कैसे करना है, तो अप्लाई ऑनलाइन करना है, एप्लीकेशन फ़ी आपको बता दी है, प्रोसेस क्या है वो सारी चीज़ें यहाँ हैं. देन क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है वो इन्फॉर्मेशन है, रिजर्वेशन कैसे है वो सारी बातें हैं. एंड यस, तो आप सिलेबस वगैरह भी देख सकते हैं, नेट के पैटर्न पे होगा वो, एंड स्ट्रक्चर क्या है वो मैंने आपको बता दिया है. अगेन कोई अगर इशू है, कोई स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन चाहिए तो बता दीजिएगा. ये फ़ी स्ट्रक्चर है कि कितनी फ़ी है, सो 30,000 है कोर्स वर्क के लिए इंजीनियरिंग टेक में, बाकी के लिए 20,000 है. सो अच्छे से एक्सप्लोर कर लीजिएगा एंड देख लीजिएगा. एंड यस, तो एक बार हम फिर से वेबसाइट पे विजिट करते हैं. सो एडमिशन्स में देखिए यहाँ पे एक और नोटिस आया हुआ है वेकेंट सीट्स एंड फ्रेश एडमिशन का इंजीनियरिंग एंड फिजियोथेरेपी में, तो इस नोटिस को हम ओपन करते हैं, देखते हैं. तो आई एम सॉरी गाइज, बट ये ओपन नहीं हो रहा है, तो नॉट फाउंड लिख रहा है, तो देख लीजिएगा. अगर आपके में ओपन हो तो वेल एंड गुड, अदरवाइज आप स्किप करिएगा इसे. सो ये कुछ इन्फॉर्मेशन्स थी गुरुग्राम यूनिवर्सिटी से रिलेटेड. सो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आई थिंक मैंने ये पहले भी बोला है, अप्लाई कर सकते हैं आप. एंड वीडियो हेल्पफुल लगाओ तो इसे लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा. एंड यस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.